भगवान राम की मूर्ति के समक्ष पंचदीप प्रज्वलन करते हुए राम यात्रा निकाली जा रही, कलश उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ हटके है विजय अभिषेक। ये बिल्कुल हटकर है। 500 साल पुराना जो गुलामी में भगवान राम थे, उनका भव्य मंदिर बन गया है। आने वाली 22 तारीख को पूरे देश में, पूरे विश्व में एक खुशी का माहौल है, दिवाली का माहौल है। आज जो गुरुग्राम में आयोजन किया गया है पुण्य प्रवास संस्था के द्वारा, इसमें लगभग आप सामने की ओर देखेंगे लगभग 5000 से ज्यादा लोग क्षेत्र के जुटे हैं। यहाँ 126 तरह के व्यंजन लोग अपने घरों से बनाकर लाए हैं। लगभग 3000 घरों से ये भोजन आया है।
घरों से भोजन मंगाना और भगवान को भोग लगाना और क्षेत्र के लोगों की उसमें भागीदारी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए जो प्रयास किया गया है यहाँ के जो आयोजक इस कार्यक्रम के वो बहुत बधाई के पात्र हैं। इन सब के अलावा आप देखेंगे मंच की ओर राजस्थानी, भोजपुरी, बंगाली और अन्य जो देश के प्रचलित संगीत है उनके माध्यम के द्वारा यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। और कार्यक्रम में अपने सानिध्य अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र बाबा आदित्यनाथ योगी और साथ में जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए अन्य लोग हैं सभी मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर बंगाल के कारीगरों द्वारा लगभग 8 फुट ऊंची राम सीता की प्रतिमा भी तैयार की गई है, जिसका आयोजन के बाद एक मंदिर में रखा जाएगा दर्शनोपरांत, और 22 तारीख के बाद इसका विधिवत विसर्जन भी किया जाएगा। आज जो ये कार्यक्रम में भीड़ जुटी है और सब लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है अपने आप में बेमिसाल है और व्यवस्था से बहुत बड़ा ये आयोजन है। बाद में सभी लोग आयोजन के उपरांत सामूहिक रूप से इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, जिसमें लगभग 3000 घरों से भोजन आया हुआ है और 126 तरह के व्यंजन बने हैं। प्रदीप, आज का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास का, पूरे जन समाज के लिए हर्षोल्लास का कार्यक्रम है। इसमें लंबे संघर्ष के उपरांत हमें जो खुशी प्राप्त हुई है, इसमें जनमानस सभी का सहयोग रहा है। इसी कार्यक्रम के निमित्त मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हर्षोल्लास के साथ हमने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई है। इससे अधिक हर्षोल्लास के साथ आने वाले 22 तारीख को सभी सेवक, सभी राम भक्त अपने नजदीक के मंदिर में जाएं और हम इस आयोजन को उत्साह के साथ मनाएं। जय श्री राम। सर, आप जो प्रोग्राम किया है विजयाभिषेक, इसके बारे में बताइए। यह कार्यक्रम विजयाभिषेक नाम से है। अब आप इसको भगवान राम का विजयाभिषेक माने या दुनिया के सारे राम भक्तों का ये विजयाभिषेक है। 500 सालों की लंबी लड़ाई के बाद, और एक लड़ाई नहीं लड़ी, हिंदू समाज में 76 युद्ध लड़े हैं, लाखों काशियों का बलिदान हुआ है, तब जाकर के ये दिन हमें देखने के आया है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे राम लला आजाद नहीं हुए, वो जेल में बंद थे। 1982 में काला खोया गया, उनको ताक में रहना पड़ा। ताक से वो राजमहलों में आए, उसका आनंद मनाने के लिए ये विजयाभिषेक का कार्यक्रम आज किया गया। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में, आप देखिए न्यूयॉर्क में 22 जनवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ पे विक्टोरिया पैलेस पर। थाईलैंड, मलेशिया, लंदन, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बचा जहाँ पर ये कार्यक्रम नहीं होगा। भारत के प्रत्येक मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि राम एक हिंदुओं के पुरुष नहीं है, संपूर्ण मानवता के वो महापुरुष है। उनके लिए मर्यादा, उनसे सीखने की बात है। मैं काशी रख रहा हूँ, 1992 में 8 दिनों के लिए मैं जेल में बंद रहा हूँ। मैं प्रत्येक राम भक्त की पीड़ा से जानता हूँ, क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए हम पर। हमें उस जगह को शौचालय बनाने की बात की गई, उस जगह को पुस्तकालय बनाने की बात की गई, उस जगह को चिकित्सालय बनाने की बात की गई। क्या ये बात मक्का मदीना के लिए की गई, क्या ये बात यरूशलम के लिए की गई? लेकिन इस देश में हमारे ही लोगों ने राजनीति के लिए, वोटों के लिए हिंदुओं की आस्था को प्रज्वलित करने का काम किया, और जो हिंदू दुखी था, यातना था, जो जिसको यातना दी गई, आज वो खुश है कि देश के ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और संत आचार्यों के द्वारा वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होगा। 22 जनवरी को भारत का प्रत्येक घर दिवाली मनाएगा, पटाखे छुटाएगा, अपने घर पर दीप जलाएगा, मिठाइयां बनेंगी। मैं अगर अतिशयोक्ति ना हूं तो ये कहूंगा कि त्रेता में जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे, जैसी दिवाली तब मनाई गई थी, वैसी ही दिवाली इस बार 22 जनवरी को मनाई जाएगी। तो क्या जो अलाव जला हुआ है
ये मेरा बड़ा सौभाग्य है तो इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। और 22 जनवरी को अयोध्या में जो रामलला राजा राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी मैं शामिल रहूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और ये सनातन संस्कृति का जो 500 वर्षों का जो गौरव दोबारा लौट रहा है ये भारत का ही नहीं बल्कि सारे विश्व का सबसे बड़ा गौरव और महापर्व का कार्यक्रम रहेगा 22 जनवरी को। और मैं आज सभी को लोहड़ी और आने वाले मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सर सारा देश इस समय राम में है तो राम भक्तों के लिए क्या मैसेज रहेगा? राम में देश तब भी था आज भी है और सदा रहेगा क्योंकि राम हमारे रोम रोम में रमे हुए और राम सदा से है और वो तो सदा ही रहेंगे। सर 500 साल बाद फिर राम जी को जगह मिली है राम की जो प्राण प्रतिष्ठा वो जो मंदिर बन रहा है वो सदैव था है और रहेगा। अब तो उनका जो मूर्त रूप हम सबके सामने स्थापित हो रहा है राम तो हमारे हृदय में 500 वर्ष पहले भी थे आज भी है और हमेशा रहेंगे। पर जो संतों का त्याग बलिदान और जो कार्य सेवकों का जो त्याग और बलिदान है वो 22 जनवरी को हम सबके बीच में एक मूर्त रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। राम भक्तों को क्या मैसेज देंगे आप? राम भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा महोत्सव का कार्यक्रम होगा ये दूसरी दिवाली के रूप में हम सब मना रहे हैं और मुझे लगता है आपके हृदय में भी वो प्रफुल्लित भाव दिखाई दे रहे हैं पूछने वाले मुझसे ज्यादा खुश है तो राम भक्तों के लिए इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी। धन्यवाद।